Today we will start with chapter 1 of geography, environment, page number 1 of your geography chapter. I will read the right hand side paragraph jo aapke textbook mein diya hai. Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. ये वर्ड जो environment है आपको 6th standard, 5th standard में भी आया है. Common sense में अगर हमें आपको environment पूछती हूँ तो आप बोलोगे surrounding us. इसके अलग अलग define होते हैं. यहाँ पे हमें समझाया है जो basic life support system है, यानी कि जो भी चीज़ें हमारी surrounding है, जो हमें एयर देता है, जो हमें पानी देता है पीने के लिए, जो हमें खाना देता है और जो लैंड हम जहाँ पे रहते हैं उसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं. इन शॉर्ट एवरीथिंग सराउंडिंग अस उसे मैं एनवायरनमेंट बोलूँगी. सेकंड पैराग्राफ, हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट. द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, food is served in the vessel and the land is used to build factories. हम जो human being है, यहाँ पे second paragraph में ये बता रहे कि हम जो human being है उसको modify, यानी कि environment को हम हमारी needs fulfill करने के लिए change करते हैं, modify यानी उसको change करते हैं. जैसे कि car fumes pollute the air, water collected in the pot, food is served in the vessel, land is used to build in the factories. थर्ड पार्ट, ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स. दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट. हमें जो नेचर से मिलता है वो हम उसे मॉडिफाई करते हैं. यानी कि ये जो लास्ट पैराग्राफ में हमें ये समझाया गया है कि हम जो कार्स बनाते हैं, मिल्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज करते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं अलग अलग चीज़, कंटेनर्स एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ को हम नेचुरल एनवायरनमेंट से मॉडिफाइड यानी कि चेंज करके करते हैं. इसी पेज में लास्ट 3 लाइंस है जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, व्हाई इज़ आर एनवायरनमेंट चेंजिंग. हमारी जो सराउंडिंग है वो चेंज क्यों हो रही है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स. हम हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए इसे चेंज कर रहे हैं. इसी चैप्टर में पेज नंबर टू इसी चैप्टर में यहाँ पे नीचे लाइंस, इंक्रीजिंग डे बाय डे वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग. यानी कि हमारी डे बाय डे की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम हमारे नेचुरल सराउंडिंग को मॉडिफाई करके उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. इसी पेज में आपको ऊपर यहाँ पे एक डायग्राम जैसे दिखेगा. यहाँ पे है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट यहाँ पे 3 है. सबसे पहले नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन. जब मैं नेचुरल बोलती हूँ यानी कि जो मुझे नेचर से मिलता है, एयर यानी कि एटमॉस्फियर, वाटर यानी कि हाइड्रोस्फियर, लैंड यानी कि लिथोस्फियर, लिविंग थिंग्स यानी बायोस्फियर. ये हमने लेसन स्टैंडर्ड 5th में भी पढ़ा है. ये हमारे डोमेन्स है, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर और बायोस्फियर. राइट हैंड साइड पे जो हमने एनवायरनमेंट के हेल्प से, नेचर के हेल्प से बनाया है, पार्क, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्री एंड मॉन्यूमेंट्स. और लास्ट में है हम ह्यूमन. हमारे साथ हमारे एनवायरनमेंट होते हैं, हमारी फैमिली एज अ इंडिविजुअल, हमारी कम्युनिटी, हमारी रिलीजन, हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्कूल और दूसरा इंस्टीट्यूशन संदीप पटेल ग्रुप ट्यूशन, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन.